बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर जो हैं मनीष जी हमारे साथ हैं आज, और इनके फादर साहब हैं मनीष जी के। तो इन्होंने जो है एक एकड़ में यहाँ पर अमरूद का बाग लगाया हुआ है, और अमरूद के पौधों के बीच में इन्होंने, ये आप देख सकते हैं, चंदन के पेड़ भी लगा रखे हैं इन्होंने। और ये जो चंदन का पेड़ है ये 2 साल का हो चुका है और बहुत ही अच्छी जो है वो ग्रोथ है। इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि किन्नू के पौधे भी लगे हुए हैं, और किन्नू में जो फ्रूटिंग है वो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी जो फ्रूटिंग है, ये देखना देख सकते हैं आप। और इसके साथ साथ कुछ पेड़ जो है वो लीची के भी हैं, लीची के पेड़ भी इन्होंने लगा रखे हैं। तो आज हम मनीष जी से जानेंगे कि ये जो आपने बाग लगाया है ये आपके मन में कैसे विचार आया बाग लगाने का, और इससे जो इनकम इनको अभी मिलनी शुरू हुई है या नहीं हुई है उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे, और ये भी जानेंगे कि जो इन्होंने बाग एक एकड़ में लगाया है कितने प्रकार के और भी कई वैरायटियां हैं जो पौधों की इन्होंने लगा रखी है। अमरूद की भी मेरे ख्याल से 3-4 वैरायटी जो है इन्होंने अपने बाग में लगा रखी हैं। तो मनीष जी, आपने ये बाग कब लगाया था, पहले तो एक बार आप अपना परिचय दें। नमस्कार जी, मेरा नाम मनीष है। ये बागवानी करी है मैंने, पहले मैं भी गेहूँ जीरी या गन्ना करता था, सोचा थोड़ा अलग हट के करते हैं इसके लिए। तो 2019 में मैंने बागवानी शुरू की थी यहाँ पर, और पहले अमरूद के लिए ही मैंने अप्लाई किया था इसको, और फिर बाद में कहीं से मुझे मेरे कज़न जी हैं उन्होंने कुछ चंदन के बारे में मुझे बताया, और साथ में मैंने फिर चंदन भी इसके साथ अप्लाई किया, जो कि आपकी बार 2 साल में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। लगभग 10-12 फीट के लगभग जा चुका है पेड़, कुछ पौधे छोटे भी हैं, और इसकी मोटाई भी लगभग 7-8 इंच के लगभग हो चुकी है 2 साल में। और आपका चंदन तो तैयार ही हो रहा है, और इनकम के लिए आप अमरूद से अपनी इनकम स्टार्ट कर सकते हैं 2 साल के बाद। तो मनीष जी, ये जो कुछ मैं देख पा रहा हूँ कि आपने चंदन के पास जो है कुछ अलग ही प्रकार के पौधे लगाए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये किस लिए लगाए हैं आपने? देखो जी, ये चंदन जो है एक परजीवी पौधा है, और ये जो आप देख रहे हैं ये कैजुरीना का पेड़ है, जो कि कैजुरीना जी, जो आप इसको पार्क में भी देख सकते हैं लगा हुआ, और ये सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन इसके लिए कनेक्ट करता है चंदन के लिए। यानी कि चंदन जो है एक परजीवी पौधा है, परजीवी और इसको जो है अपने पास कोई दूसरा पौधा होना हाँ जरूरी। तो इसके पास कौन कौन से पौधे हम लगा सकते हैं? इसके साथ आप कोई भी पौधा, जैसे कि आप नीम भी लगा सकते हो जी, ठीक है, और बबूल भी हो सकता है, अमरूद भी हो सकता है, आपका नार, किन्नू, जो मर्जी लगाओ, जो इसके साथ 12 से 15 साल तक चल सकता है, ऐसा पेड़ होना चाहिए। तो जैसे आपने सबसे पहले आपका जो लक्ष्य था वो अमरूद का ही था, या फिर चंदन का भी साथ साथ आपने सोच रखा था? देखिए, चंदन का भी मैंने सोच रखा था, कुछ स्टार्टिंग में मुझे इसके बारे में नॉलेज थोड़ी लेट मिली, तो जैसे ही नॉलेज आती गई तो मैंने इसके लिए अप्लाई करा। फिर जैसे आपने जब इसकी शुरुआत की, तो आमतौर पर देखा जाता है कि जो हमारी जो नई पीढ़ी है वो कुछ नया करना सोचती है करने के लिए, तो जो पेरेंट्स हैं हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो परमिशन नहीं देते, वो सोचते हैं कि भी कभी नुकसान ना हो जाए। तो अंकल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जो मनीष जी हैं इनको क्या परमिशन अपने मन से दी थी, या फिर इन्होंने ज़बरदस्ती आपको मनवाया था इसलिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मैंने अपने मन से भी दी, थोड़े में कर लो तो थोड़ा तजर्बा हो जाए, बस यही थी जी। यानी कि शुरुआत करें, चाहे बेशक थोड़ा से करें, और थोड़े से ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई दिक्कत आती है हमारे को तो उसका हमारे एडजस्टमेंट हो सकता है, एडजस्टमेंट हो सकती है, और एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर हम बढ़ा सकते हैं। तो आइए मैं आपको अमरूद भी दिखा देता हूँ इनके बाग में लगे हुए। ये अमरूद का जो पौधा है, इलाहाबादी सफेदा जो है वैरायटी है, और आप देख सकते हैं कि 2 साल में जो है, इससे भी बड़े बड़े पौधे हैं 2 साल के, लेकिन इसकी भी हाइट है जो वो अच्छी है, और ये फ्रूट देखना, फ्रूट भी बहुत अच्छा, हेल्थी फ्रूट जो है वो आए हुए हैं इस बाग में अमरूद के पौधों पर। इस प्रकार से आप बिल्कुल ये देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा जो है इनका बाग वो स्टैब्लिश हो चुका है, और मात्र 2 साल के जो पौधे हैं, इससे भी बड़े बड़े पौधे जो हैं दिखाते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं कि ये
ये भी 2 साल का पौधा है, सब 2 साल का। ये कौन सी वैरायटी है जी? ये L49 L49 है ये, तो बहुत ही अच्छी जो है ग्रोथ जो है पौधों की है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी जो है 2 साल में कितनी अच्छी ग्रोथ है पौधों की, और बहुत ही हरा भरा जो है वो इनका खेत है वो खड़ा है। तो बस यही मैसेज जो है सभी किसानों को जाता है मनीष जी की तरफ से कि ज़्यादा से न करें, थोड़ा से शुरुआत करें, लेकिन कुछ अगर हमने अलग हटके करना है तो कोई ना कोई अलग तरीका तो सोचना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे बेटर जो है, सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है हमारी बागवानी का है। धन्यवाद मनीष जी। ओके जी, धन्यवाद।